क्या पूछ रहा था बेटा? मैं देहरादून से बोल रहा हूँ माता मनोज। मेरे को अपने घर के देवी देवता पता करने में बहुत भटक रहा हूँ। घर के देवी देवता बाबू? तेरी कुल की माता शीतला सेठ मसाणी है बाबू, जी माँ, और बनभोरी भी चलती है तेरे घर में, और जी हनुमान जी की माँ, भी धोख लगती थी पिछले वाले टाइम में। कभी पूछना किसी पड़दादा दादा पड़दादा जो तुम्हारे पिछले टाइम के होंगे उनमें से कोई इनकी पूजा करता था जी बाबू। ना माँ, कुछ नहीं पता हमें तो, कुछ बिल्कुल अनजान हो, कुछ नहीं मालूम। कोई पुराना कौन पूछता था, क्या पूछता था? शीतला माता की, शीतला माता है तुम्हारे कुल की माता, ठीक है मारी, उसकी धोख लगानी स्टार्ट कर दे। ठीक है, उसके नाम की नारियल चुन्नी और 16 सिंगार शीतला माता के मंदिर में चढ़ाया, और माइक के सपने के माध्यम से सब कुछ दिखाते जाएंगे। और कुछ किसी ने पूछ? मुझे बताया काली माँ, काली माता भी है कि पुरानी पूजी थी कि हाँ, गद्दी लगी हुई थी बाबू, गद्दी में सारी शक्तियां पूजती हैं बाबू। गद्दी लगी हुई थी तुम्हारे घर में, किसी भी तुम्हारे दादा परदादा जो भी होंगे ना, पिछले टाइम से गद्दी चली हुई है तुम्हारे घर में, जी। और भैरों को मानते हैं। पूजा पाठ में जैसे मेरे नाम ले लेते हैं, सुबह पूजा पाठ करता हूँ जब, तो हाँ और तूने ये सिगरेट जलाई हुई थी जी लगाई थी, भैरों की? जी लगाई थी। फिलहाल इस दरबार से जो बच्चा जुड़ा है बाबू, वो भैरों को, भैरों नहीं चलते इस दरबार से, अभी दूर आदेश नहीं है बच्चों को। और काला कपड़ा नहीं चढ़ाना, और ना अभी पाना है ना किसी दरबार में चढ़ाना है बाबू। काले कपड़ा बिल्कुल अवॉइड करना, रेड कलर का कपड़ा ही चढ़ेगा। जी माली, और घर में कोई बीमार हेलो, कौन है? ये सबकी एलर्जी हो रही है, दवाइयां दे दे ठीक नहीं होती। एलर्जी हो रही है? अगर कोई उपाय बताऊंगी तो कर देगा बाबू, जी मैं आप जैसा आपको, सैनिक दे देगा चौराहे पे। ठीक जी बिल्कुल दे दूंगा जी। है, फिर सारे रास्ते खोल दूंगी मैं भी, अगर तू उपाय कर देगा तो सारे रास्ते मैं भी दे दूंगी तुझे। जी मैं जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। बड़ी सैनिक लिखवाओ इस बच्चे को, जैसे ठीक जैसे उपाय बताए जा रहे हैं बाबू सारे उपाय कर दो। और एलर्जी के लिए, एलर्जी के लिए जिसको भी एलर्जी हो रही है उसके ऊपर से 1 गिलास मीठे पानी का वार के हर रोज घर से बाहर दे देना, लगातार 7 दिन करो, शनिवार से स्टार्ट करके आज से ना। जी माँ, 1 गिलास में 1 गिलास और 1 चम्मच चीनी का डाल के बच्चे के सिर के ऊपर से सीधा मारना है, जी माँ, जैसे घड़ी घूमती है उस वाली साइड को घुमा के और घर के बाहर फेंक देना। ठीक है बेटा, तो जी माँ, ये जी एलर्जी की माँ। दिक्कत ये ठीक हो जाएगी। तो ये माता काली को भी पूछना है क्या? माता काली की भी जोत माता जलाते हैं काली घर की में, तो बता जोत जगाता ही है बाबू। जलाता तो हूँ हाँ, सारे रूप महाकाली के ही हैं, जी। पर कुल की माता तेरी शीतला माता है बाबू। और एक हमारे गांव में जो बाबा है, एक ना सैयद का स्नान बना हुआ है, जोड़ा वाला बाबा बोलते हैं उन्हें, समझ का बाबा, तो ये भी है क्या हमारे कुल में, घर में परिवार में पूछते हैं क्या? गांव में पूजते हैं, तुम्हारे घर में पूजते हैं? पहले गांव में कभी पूर्वज पूछते थे, हमें नहीं पता, फिर मैं गया नहीं था उनके स्थान पे, गुड़ की बेली चढ़ती है उनको वीरवार को, हाँ, अगर माथा जोड़ टेका हुआ है बाबू फिर तो वो चलेंगे जरूर, उनको नहीं फिर कोई छोड़ सकता। अच्छा माथा टेका है अगर कभी कभी जाके, ठीक है माता, बस ये जो उपाय बताया जा रहा है ये कर, और इसके बाद अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे बाबू। तू क्या चाहता है, इस लाइन में आना चाहता है क्या? तू भी माता की माँ को पूजता है तो इस लाइन में आना चाहता है क्या? ना ये माँ, मैं अपने बस घर, अपना सीधा समाज से पूजा करूँ। अपने घर घर के लिए चाहिए। हाँ बस मैं अपने घर में पूछता रहूँ, मैं अपनी कृपा ऐसी करूंगी, बस सेवा करता रहूँ बस चलो इसके लिए। ठीक है बाबू, फिर ये जो उपाय बता रही हूँ ना ये उपाय कर दो और तेरे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या काम करता है तू? दुकान है, दुकान चलते चलते काम बिल्कुल सुन्न हो जाता है, रुक जाता है, बरकत नहीं है बिल्कुल भी, पैसा जितना डाल दो पता नहीं कहाँ चला जाता है सारा। कोई बात नहीं, पहले ये सहने कर दे, इसके बाद तेरे का काम चलने की भी जो उपाय है वो भी करा दूंगी। ठीक है बेटा, काम चल माँ रहा है। घर कब तक हो जाएगा मेरा, घर कब तक हो जाएगा मेरा?
घर कैसा, घर घर बनाना है कोई नहीं, पहले ये काम ये उपाय करते हैं, फिर संकट कटने के बाद फिर माई अपने आप काम रास्ते खोल देगी। ठीक है बेटा, ठीक है माई, ठीक है, जैसा ओके आशीर्वाद। हाँ जी।